हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी दर्शुति गुप्ता और आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपकी लाइफ में। अगर आप एक लड़की हैं, एक टीनेजर हैं, एक महिला हैं तो आज का वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आज का वीडियो अगर आप स्किप करते हैं तो आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट मिस कर रहे हैं। दोस्तों, पीरियड्स हम लड़कियों की लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, लेकिन इस पीरियड्स की वजह से हम लोग बहुत कुछ मिस कर देते हैं। अगर आप टीनेजर हैं तो आपके स्कूल में बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ होती होंगी, जैसे डांसिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, तो आप अपने पीरियड्स में इससे मिस कर देती होंगी। आप डांस में भाग नहीं लेती होंगी, आप बहुत सारे स्पोर्ट्स छोड़ देती होंगी और स्विमिंग तो बिल्कुल नामुमकिन हो जाती है पीरियड्स के टाइम। लेकिन दोस्तों, अगर मैं कहूँ ये तीनों चीज़ आप कर सकती हैं पीरियड्स में, तो शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन ये मुमकिन है। दोस्तों, 71% लड़कियाँ पीरियड्स की डर से अपने जो कैरियर होता है, स्पोर्ट्स कैरियर को वहीं पर ड्रॉप कर देती हैं, वहीं पर छोड़ देती हैं, क्योंकि हर लड़की के मन में यही डर रहता है कि अगर हम फिजिकल एक्टिविटीज़ करेंगे तो कहीं हमारा पीरियड लीक ना हो जाए, लीकेज ना हो जाए, या स्टेन का डर हमें हमेशा सताता रहता है, जिससे हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो लूज रहता है। लेकिन अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप वो सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ कर सकती हैं बिल्कुल नॉर्मल डे की तरह, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और अपने कैरियर को सेट कर सकती हैं स्पोर्ट्स में। दोस्तों, आपने स्पोर्ट्स में बहुत सारी महिलाओं को देखा होगा कि वो हमारे देश का नाम रोशन कर रही हैं, बहुत सारे गोल्ड मेडल लाती हैं, बहुत सारे ट्रॉफियाँ भी लाती हैं हमारे देश के लिए। लेकिन जब मैं उन्हें खेलते देखती थी, मैं खुद का अनुभव बता रही, तो मैं हमेशा ये सोचती थी कि यार जब इनका पीरियड आता होगा तो ये कैसे करती होंगी मैनेज, अपने टूर्नामेंट को कैसे मैनेज करती होंगी, अपने प्रैक्टिस को कैसे मैनेज करती होंगी, अपने स्पोर्ट्स को कैसे मैनेज करती होंगी। लेकिन दोस्तों, इन सारे सवालों का जवाब मुझे मिल गया है और मैं इससे बहुत ज़्यादा खुश हूँ। लेकिन अगर आप ये सोच रही हैं कि पैड लेकर ऐसा संभव हो सकता है, तो मैं आपको बता दूँ ये बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि पैड्स के साथ तो आप स्विमिंग तो बिल्कुल नहीं कर सकते, उसके अलावा आप डांसिंग में भी बहुत टाइम तक नहीं ले सकते हो और स्पोर्ट्स में भी ज़्यादा गेम नहीं कर सकते हो पैड के साथ, उसे बार बार चेंज करते हैं, और अगर आपको हैवी लीकर्स आ रहा है तो आप क्या करोगे, तो ऐसे सवाल होता है। तो ये पैड्स तो बिल्कुल नहीं है। मैं आपका आपको सस्पेंस में नहीं रखती, चलो मैं आपको बता दूं मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ और कैसे आपके कैरियर को सेट कर सकता है। पीरियड्स को बिल्कुल नहीं आने देगा आपके कैरियर के बीच। दोस्तों, ये है एवरटीन का मेंस्ट्रुअल कप। दोस्तों, मेंस्ट्रुअल कप से ही ये सब कुछ संभव है। दोस्तों, मेंस्ट्रुअल कप, आप इसे पहली बात तो इसे बार बार चेंज करने की दिक्कत नहीं होती, इसे एक बार आपने यूज कर लिया, ठीक है, आपने इसको यूज कर लिया तो आप इसे 12 घंटे तक यूज कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, ये किफ़ायती होता है, एक बार इसको ले लोगे तो आपको 10 साल तक कोई भी नया मेंस्ट्रुअल कप लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसको धुलकर आप यूज कर सकते हो। और एक बात बता दूँ कि आप मेंस्ट्रुअल कप को यूज करके स्विमिंग भी कर सकते हो, मेंस्ट्रुअल कप आपके स्विमिंग में बाधा नहीं बनने वाली है, जो पैड के साथ बिल्कुल भी संभव नहीं। इसके साथ कोई भी बदबू नहीं आती, कोई भी ऑर्डर अजीब सी नहीं आती है, जो पीरियड्स में बहुत ही गंदा सा फील होता है वो बिल्कुल नहीं आती है, बिल्कुल भी चिपचिपाहट नहीं होती, आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो सकते हो इसको यूज करके। दोस्तों, यहाँ पे मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, एवरटीन एक लाइव सेशन करने वाला है इस फ्राइडे 5:30 को इंस्टाग्राम पर, जहाँ पर हमारी स्पोर्ट्स वोमेन रौनक गुलिया, जो एक रेस्लर है, जो प्रेजेंट होंगी वहाँ पर और आपको बताएंगी कि कैसे वो अपने स्पोर्ट्स को मैनेज करती हैं पीरियड्स में, कैसे अपने कैरियर को उन्होंने सेट किया और हमारे देश को प्रेजेंट करती हैं। और दोस्तों, ये सारे सवाल जो हमारे मन में उठते हैं, जो आपकी बेटी के मन में होते हैं, हो सकता है कि आपकी बेटी ने बोल दिया है कि मम्मा मुझे ये गेम बहुत पसंद है, मैं ये करना चाहती हूँ बट पीरियड्स की वजह से मैं यहाँ पर ड्रॉप कर रही हूँ, तो आपको आपकी बेटी के साथ ये लाइव सेशन देखना चाहिए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप ज़रूर विजिट करना, आप सभी जाके उसको विजिट करना, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर लो, बिल्कुल भी मत भूलना। अब मैं आपको बता दूँ ये कैसे ऐसा संभव कर सकता है, क्योंकि मेंस्ट्रुअल कप जो होता है, मैं ओपन करके आपको दिखाती हूँ, इसकी पैकिंग बहुत ही अच्छी है एवरटीन की, और मैंने इसका फुल रिव्यू वीडियो पहले ही आप लोग के साथ शेयर किया है। अगर अभी तक आपने वो रिव्यू वीडियो नहीं देखा तो वीडियो के लिंक आई बटन पर और वीडियो के एंड में होगी, तो एक बार ज़रूर विजिट करना, और डिस्क्रिप्शन में भी होगी, तो ज़रूर उस वीडियो को जाके विजिट करिएगा। तो ये रहा वो मेंस्ट्रुअल कप, आपको इसे देखकर बड़ा लग रहा होगा कि कैसे हमारी मैनेज कर सकता है, कैसे ये हमारे स्पोर्ट्स कैरियर को सेट कर सकता है। तो आपको क्या करना है कि ये मेंस्ट्रुअल कप सिलिकॉन का बना होता है और इस मेंस्ट्रुअल कप को कुछ ऐसे
इस तरह फोल्ड करके हमें अपनी अपनी वजाइना यानी इंटीमेट एरिया के अंदर डालना होता है, और ये अंदर जाके इस तरह खुल जाता है। ठीक है, ऐसे खुल जाता है, ये बाहर की ओर नहीं होता, जहाँ पे हम लोग पैड लेते हैं वहाँ नहीं होता, ये अंदर इसमें हमारा जो पीरियड होता है वो यहाँ पर जाके आके इकट्ठा होता है। तो जब हम लोग इसे निकालते हैं तो अपने पीरियड को हटाकर इसे साफ करके फिर रीयूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह जब ये अंदर रहेगा, बाहर हमने कोई पैड वगैरह लगाया ही नहीं, तो हमें बाहर लीकेज का डर नहीं रहेगा, और अंदर ये जाकर जो हमारी जो वजाइना होती है उसमें जाके ये ऐसे फिट हो जाता है कि लीकेज होने का बिल्कुल खतरा नहीं होता। और आपको बता दें, ये जो मेंस्ट्रुअल कप होता है दो साइज में आता है। ठीक है, अगर आप टीनेजर हैं, अगर आपकी शादी नहीं हुई है, तो आपको ये स्मॉल साइज लेना होगा, जैसे मेरे पास है, और अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको लार्ज साइज लेना होगा, थोड़ा सा बड़ा होता है। तो आप अपने हिसाब से मेंस्ट्रुअल कप ले सकते हैं। और इसके रेंज की बात बता दें, ये बहुत महंगा भी नहीं आता, बहुत ही किफ़ायती होता है। दोस्तों ये जो मेंस्ट्रुअल कप मैंने लिया था, ये मुझे पड़ा था 435 रुपये का। जी हाँ, अब भी तो आपको महंगा होगा कि एक कप के लिए 435 रुपये दें, लेकिन आप सोचो, आप हर महीने पैड यूज करते हो, पैड 50 से लेकर 100 रुपये या उससे भी महंगे आते हैं, हर बार उसको यूज करते हो, वो कितना अगर जोड़ा जाए लाइफ टाइम में, तो हम लोग लाखों रुपये तो पूरी लाइफ में से बर्बाद कर चुके होते हैं पैड के पीछे। बट ये आपको बता दें, ये मेंस्ट्रुअल कप पूरे 10 साल चलता है, मैंने 10 साल तक हम इसे चेंज नहीं करना होता है। एक मेंस्ट्रुअल कप आप आसानी से यूज कर सकते हो, और 10 से 12 घंटे तक आप कप को होल्ड कर सकते हो। ठीक है, पैड को ऐसा नहीं होता, पैड को हमें 4 से 5 घंटे बाद चेंज करना होता है, और लीकेज का डर अलग से हमें सताता ही रहता है। तो दोस्तों आपकी फिजिकल एक्टिविटीज, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो डांस हो, चाहे वो स्विमिंग हो, सिर्फ मेंस्ट्रुअल कप के साथ संभव हो सकती है। तो दोस्तों अगर आप कुछ करना चाहते हो स्पोर्ट्स में या फिजिकल एक्टिविटीज़ में, जो भी करना चाहते हो, तो आपको मेंस्ट्रुअल कप ज़रूर ट्राई करना चाहिए। दोस्तों इसे ट्राई करना, या फिर आप ट्राई कर चुके हो तो अपना अनुभव मेरे साथ कमेंट्स बॉक्स में, मेरे व्यूवर्स के साथ कमेंट्स बॉक्स में जरूर शेयर करना। और दोस्तों आज का ये इंपॉर्टेंट वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना, और मेंस्ट्रुअल कप को लेकर कोई भी सवाल है तो कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं जरूर उसका रिप्लाई करूंगी। और जो लाइव सेशन मैंने बताया है फ्राइडे 5:30 इंस्टाग्राम रौनक गोलिया, बिल्कुल भी मत भूलना, जाके उस लाइव सेशन को जरूर देखना, अपनी बेटी के साथ, अपनी बहन के साथ और अपने दोस्तों के साथ वो लाइव सेशन जरूर देखना, बहुत सारे सवालों का जवाब उस लाइव सेशन में आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, आई होप आज का वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, बहुत ज़्यादा यूजफुल हो। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो, मेरी कोई बातें यूजफुल लगी हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, एंड हाँ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।